छत्तीसगढ़ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दीपावली मनानी है। पहली दीपावली मनेगी त्योहार वाली, दूसरी दिवाली मनेगी 3 दिसंबर को जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, और तीसरी दीपावली जब अयोध्या में जनवरी के महीने में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, तब प्रभु के ननिहाल में दीपावली मनेगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल यहां आकर झूठ कहकर गए हैं कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। मैं आज यहां कह रहा हूं कि नगरनार स्टील प्लांट का कोई भी निजीकरण नहीं होना है। इस पर सिर्फ हमारे बस्तर के लोगों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था, आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं कि एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगी। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52%, मौतों में 70, नागरिकों की मृत्यु में 68 और जिले में थाने जो प्रभावित थे उनमें 62% की कमी आई है। वन अधिकार पट्टा वितरण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था वो पूरा का पूरा स्थगित हो गया है। तेंदुपत्ता की कीमतें 4 गुना बढ़ी, मगर कांग्रेस ने 2 साल में सिर्फ 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है, और इसके कारण आदिवासियों को बड़ी तकलीफ हुई है। मित्रों, मोदी जी अभी आए थे, हमारे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का आधारशिला रख कर गए। मगर मैं बताता हूं, अगर आपने फिर से बघेल जी को लाने की गलती की तो ये सारा पैसा जो भारत सरकार भेजेगी कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली पहुंच जाएगा, यहां कुछ नहीं होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 27,000 करोड़ में राज्य सरकार और 5-6 हजार करोड़ जोड़कर बस्तर के संपूर्ण विकास का रास्ता आगे ले